नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी कश्मीर से, और कश्मीरी लोग हैं DDN भारत के नाम से चैनल पे। आज की यूथ, आज का कश्मीरी क्या कह रहा है, बहुत ही कमाल की वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माजिद मीर, मैं कश्मीर से आया हुआ हूँ। कश्मीर से? जी जी। ये बताइए, इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा का, तो मैं जानना चाहूँगा आप युवा हैं तो इस बार युवा किसके साथ है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा पला बड़ा वहाँ पे हूँ मैं ज़्यादा। तो खासकर जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके काम को देख के, और जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री जी, उनका काम देख के जम्मू कश्मीर फुल सपोर्ट करेगा, जम्मू कश्मीर का युवा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है बराबर मोदी जी को। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्योंकि पत्थर मारते थे वहाँ पे, आज एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर नहीं मार सकता है कोई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधी बात। मेरी जितने भी परिवार में लोग हैं वो मोदी जी को ही वोट देंगे। मतलब मोदी की गारंटी पे आप भरोसा करते हैं? मोदी की गारंटी पे मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं भरोसा करूँगा। मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, उड़ी बारामूला से हूँ मैं, मोदी जी का सपाई हूँ। हाँ, ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में? आप कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मोदी की गारंटी। मोदी जी से हमने सीखा मोदी जी अपनी माँ को कैसे चाहते थे वैसे हम भी अब चाहते हैं। जो अपनी माँ को मतलब नी 500 या 1000 नहीं देने की हिम्मत रखते हैं, आज मोदी जी दे रहे हैं। आज मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। और कश्मीर रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 70 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने से डरता था, यहाँ से भी आ तक था, वहाँ से भी आ तक था, लेकिन इन 2 सालों में कश्मीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है टूरिज्म की वजह से। वो किसके नेतृत्व में? हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। और जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, तभी अब कुछ लोग हैं मतलब जिनको मिर्ची लगती है उनको लगने दो। जो जो कश्मीर पिछले मतलब 70 सालों से पीछे था वो तो अब आगे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आगे आ रहा है। आप देखो, जो जम्मू कश्मीर हड़तालें होती थी या गिलानी शहीद गिलानी शायद काल देता था अपने बच्चों को लंदन पढ़ाता था, वो तो नहीं हो रहा है ना अब। अब हर एक युवा पढ़ रहा है, हर एक स्कूल जा रहा है, अच्छे से अमन पसंद है। अभी न्यू ईयर था वहाँ, देखिए आप लाल चौक में कितना अच्छा फंक्शन रहा न्यू ईयर में, कब होता था वो फंक्शन? कश्मीर कैसे आगे आ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में, और नहीं आएगा मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, मतलब मोदी सरकार में कश्मीर बदल रहा है? बदल रहा है, बहुत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि बात मत करो आप, उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया हर एक का। कैसे किया है? नफरत उन्होंने फैलाई, जो मतलब पिछले 70 सालों से पथराव हो रहा था कश्मीर में वो उनकी देन है। गिलानी और ये यासीन मलिक कहाँ जाते थे? व्हाइट हाउस कांग्रेस पार्टी लेती है कि मोदी जी ने लिया उनको? हाँ। व्हाइट हाउस में क्या, आज तो उनको चाय नहीं पिलाई जाएगी वहाँ, और इनसे सीधा मुँह बात भी नहीं करते हैं, आज सब जेल में है। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं करेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं, सीधी बात है। कुछ कह रहे थे आप, मुझे खाली इतना बता दीजिए, एज ए मुस्लिम मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसा चल रहा है? ये मीडिया के माध्यम से भी, और जो यहाँ पे चलने वाले बंदे हैं उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अभी जस्ट ना वोटिंग होगी ना, लगभग आधा कश्मीर दिल्ली में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि विंटर सीजन वहाँ पे चल रहा है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं?
अगर आप आज देखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारे देश की लगभग 65% लोग गुलमर्ग में हैं, विंटर सीजन का मज़ा उठा रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, हो गई दो बात। और ये भारत ये देश को तोड़ने की बात जो आपने बोली ना, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जिन सियासतदानों ने, महबूबा मुफ्ती ने, कांग्रेस सरकार ने और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर फारूक की सरकार है, उन्होंने तो घरों में बंटवारा किया वहाँ पे, वो पहले महबूबा, फिर उसकी बेटी, अब पहले अब्दुल्ला, फिर उसका बेटा, अभी और जितने भी इनकी नस्लें हैं, ये बोल रहे हैं हमारी नस्लें आनी चाहिए, कोई गरीब ना आए। तीन राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी ने किन को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया है? पहले चीफ मिनिस्टरों को बनाया कि आप दूसरे को बनाया, जो नया है उनको बनाया? नहीं, को ये मोदी है तो मुमकिन है। तो राहुल जी बोल रहे हैं भारत जोड़ो और लाल चौक गए वो कहाँ झंडा फैलाने, जब उनकी सरकार थी वो उस टाइम कोई जाता था? ये मोदी जी के नेतृत्व में वो वहाँ गए, क्योंकि अभी एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, जो पहले पत्थर मारते थे कोई कंकर मार के दिखाए, ये अमित शाह जी ने दिखाया है। वो लड़के थे और आज वो ये वही लड़के थे, वो भी कांग्रेस ही के थे, वही कांग्रेस उनको क्या करती थी, व्हाइट हाउसों में मतलब चाय पिलाती थी, फंडिंग करती थी, पैसा देती थी, पुलिस सिक्योरिटी उनको देते थे, क्यों देते थे मुझे बताओ, क्यों देते थे? जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो मोदी जी के नेतृत्व में उठा, कश्मीर में धारा 370 गई ना, ये 370 जो था ना, ये कश्मीरियों को थोपा गया था, आप मत खाओ हम खाएंगे। लेकिन जैसे मोदी जी ने वहाँ पे कार्य किया है, जैसे मोदी जी ने सब लोगों को दिया है, मैं आपको बोलता हूँ मोदी जी अपनी माँ के साथ कितना प्यार करते हैं, क्योंकि लास्ट राइट्स जब उनके थे उस टाइम भी मोदी जी वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो किसका सोच रहे थे, मातृभूमि का सोच रहे थे। राहुल गांधी जी को मामूली सी सुई चुभ जाती है, वो तो लंदन इलाज करने के लिए निकल जाते हैं, या जम्मू में एम्स हॉस्पिटल, कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एरिया, हर जगह पे हर सेगमेंट लाया है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, क्योंकि वो तन और मन से भारत देश को चाहता है, ये हमने देखा है। कश्मीर आज तक पाकिस्तानी था, मैं बोलता हूँ, लेकिन आज हम फख्र से कहते हैं वी आर इंडियन, किस लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जय कश्मीर ने जो देखा है, खुदा ना करे वो कोई नहीं देखे। स्टोन पेल्टिंग होती, मैं आपको बोलता हूँ, अलगाववादी नेताओं को सिक्योरिटी दी जाती थी वहां पे, राइट, जो हिंदुस्तान का झंडा लेके चलता था उसको शाम को मारते थे। उन अलगाववादी नेताओं को बंद करके पिंजरे में डाल के जो लूटा गया था वो आ रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही, ईडी भी लगी है, एनआईए भी लगी हुई है, सब लगे हैं। अब इस काले धन को बचाने के लिए आप न्याय यात्रा निकालो या रथ यात्रा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, 2024 440+ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी, यह हमारा वादा है। मोदी के बाद कौन, 400 प्लस की बात कर रहे हैं आप, तो मोदी के बाद कौन? मोदी जी, मोदी मोदी बस, जब तक मोदी, अल्लाह उनको ज्यादा उम्र दे, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर का युवा आपके सामने बैठा है, मैं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हमने 10 सालों में देखी है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 70 साल क्या 140 साल में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। बदल रहा है भारत, आप मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, खुद आप सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ जी, जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं आजकल के दौर में? आज का हर युवा खाना खाते खाते भी फोन हाथ में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, होता है कि नहीं होता है? हमें ताने देने से, न्याय यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा, फोन खुद ही बोलता है कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ मेरे इलाके से रेलवे लाइन बिछाई गई,
पहलगाम से जो भी भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे उनको अब कोई सख्ती नहीं होगी। 70 साल तक ये प्रोजेक्ट नहीं था ना, क्यों नहीं था? गरीब को जो किसान क्रेडिट लोन है 2000 रुपया उसके अकाउंट में आता है, लेकिन जो आज के हिसाब किताब में चल रहा है, मोदी जी के शासन में चल रहा है, हम चाहते हैं कि अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को बचाना है, अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, मोदी बस, मोदी बचा सकते हैं और कौन, बस विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं देश चल नहीं रहा है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले लद्दाख में थे, वो कह रहे हैं कि चीन घुस के बैठा हुआ है, देश की सेना कमजोर हो गई है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा। हाँ, ये बात भी आपने सही बोली। राहुल जी अब लद्दाख जाएंगे, परसों वो राजौरी जाएंगे, फिर कश्तवाड़ जाएंगे, भद्रवाह जाएंगे, कोई ना कोई बहाना तो लेके आएंगे वहां से। हो गई वो एक बात, सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने देखी होगी ना, हमने आंखों से देखी है। यहाँ पे बोलते हैं ना वो फेक बनाया गया, वो हमने देखा है, पेड़ उड़ा के चले आए। हाँ, पेड़ उड़ा के उनके वो पत्ते काट के आ गए, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, करना का है, कुपवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर है वो, यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से हमारा देश है। रात को लाइट ऑफ होती है ना, पाकिस्तान की फायरिंग भी सुनाई देती है, उन्होंने खुद देखा। उड़ी सेक्टर से देखिए आप, वहाँ से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के, वो घर छोड़ के भाग गए, घर छोड़ के वो श्रीनगर में आए। सबको पूछा गया कि मसला क्या है, बोला आर्मी इतनी गई है, कहने की बात नहीं, ऊपर से जहाज़ चले गए, सारे जहाज तो वापस आ गए, आर्मी भी वापस आ गई। आप मुझे बोलिए ये क्या वहाँ पे चाय पीने गए थे फिर, या उनको इनकी तरह रोज देने के लिए गए थे? ना इन्होंने रोज दिया, ना इन्होंने चाय पी, इन्होंने उनको चेतावनी दी। हमारे पास गोरी है, हमारे पास, हमारा देश न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। आप मुझे एक बात बोलिए, अगर हमारा देशवासी एक एक लोटा उठाए ना और उसमें से थोड़ा पानी जमा करके ले जाए, आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैंकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो डूब ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपके विचार। जो इन लोकल कश्मीरी लड़कों ने बोला है ना, बहुत अच्छा बोला है, ट्रूथफुल बोला है। मैं पता है टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ, 25 साल से 25 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री के कश्मीर को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और उन्होंने जो बोला ना, इतना अच्छा बोला है, मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल 100% सच बोला है इन्होंने, 100% सच बोला है। मैं तो इनकी बात से 100% मैं इसलिए क्लिपिंग कर रहा हूँ, लोकल कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीर से आए हुए, क्योंकि मैं कश्मीरियों के साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैवल कंपनी में जॉब करता हूँ 22 साल से, मेरे यार दोस्त सारे कश्मीर से हैं। पर इन्होंने जो बात बोली है ना, 100% शुद्ध और सच बात बोली है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कश्मीर से, और कश्मीरी नौजवान बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम के साथ कश्मीरी हैं, लेकिन हम हैं मोदी के सिपाही। तो क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। ये फिक्रा मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी यार, ये डायलॉग ऐसे आम नहीं हो गया। डायलॉग को छोड़े, वो कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं मेरा भाई रहूंगा, फैमिली जो है वो मोदी को वोट कर। अब देखिए ये चीज है कि ये वहां पे पैदा हुए, वहां पे इन्होंने परवरिश पाई, इनको अब पता चल चुका है कि भाई हमारा बुरा कौन चाहता था और हमारा अच्छा कौन चाह रहा है, हमें सहूलियत कौन दे रहा है और हमारे हकूक सलम कौन कर रहा था। ये अब वो जाग चुका है युवा भाई, वो देखो ना, वो जैसे कह रहे हैं गिलानी साहब के बेटे लंदन में पढ़ रहे हैं और हमारे इधर पत्थरबाजी करवाते थे, इधर हड़तालें करवाते थे, इधर ये मुनाफकत का जो थी यही, इधर क्या से क्या नहीं हो जाता था कश्मीर में, बिल्कुल। और अब उनको कहते हैं कोई चाय भी नहीं पूछता यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए टूरिज्म में यार। देखिए कश्मीर बदल रहा है, लेकिन इससे आप एक चीज देख लें कि जब इंसान नियत करता है तो फिर कुछ ही साल लगते हैं
पूरे का पूरा एक खित्ता अपनी तकदीर बदल लेता है। लेकिन जब हम करना ही कुछ ना चाहे, जब हम अपनी तिजोरियां बस भरते रहे, बस बातों की हद तक रहें, तो फिर अपने लोगों के हम सासे महरूमी खत्म नहीं कर पाते। वाकई में आज कश्मीर बदल रहा है, और जिस तरह से कश्मीरी बोल रहे हैं उनके अंदर से बात निकल रही है, तो वाकई लगता है कश्मीर बदल गया है। कश्मीर का जो नौजवान है, जो कश्मीर का युवा है, आज जाग गया है, और बिल्कुल बड़े जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से अब पहले हम सुनते थे कि कश्मीर में ये होता है और वो होता है, अब बहुत जल्द हमें जो है ना वो हमारे अपने खितों में होता हुआ नजर आने लगा। लेकिन जो हम बीज बोते हैं वो हमें काटने तो पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले हमें कश्मीर का चूर्ण मिलता रहा, अब कश्मीर में अमन अमान कायम हो चुका है, तो अब अवाम की तवज्जो और तरफ दिलाने के लिए ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो देखिए, लेकिन सीखेंगे नहीं कि भाई अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो भाई हमारा खिता भी आगे बढ़ सकता है। देखिए, अब हमारे यहाँ से हिंदुस्तान जो है वो 70 साल पहले लादा हम उससे हुए, ठीक है। कश्मीर जो था मुतनाज़े इलाके रहे 70 साल से, हमारा कश्मीर भी, उनका कश्मीर भी आधा आधा है दोनों के पास। अब देखिए कि इन 4 सालों के अंदर अंदर वो कश्मीर में कहां से कहां चले गए डेवलपमेंट, और हम अभी भी 75 साल पूरे हमने कर लिए तो हम आज भी उसी डगर पे हैं। हम आज भी अपने लोगों को एहसासे महरूमी जो है ना वो से नहीं निकाल पाए। हम आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सके अपने लोगों को जो कॉन्फिडेंस मोदी ने जम्मू और श्रीनगर के लोगों को दे दिया है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं, तो हम कब कर पाएंगे? हम कब अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे? बल्कि जो पहले कॉन्फिडेंस था पंजाब के अंदर होता था, अब वो भी जो है ना 50-50 हो गया है। तो हमने पहले से अब खोया है, पाया कुछ नहीं। उधर देखते हैं तो उन्होंने सब कुछ पाया ही है, मोहब्बतें ही है। आज देखिए कश्मीरी युवा मुस्लिम जो है ना वो कहता है हम मोदी के सिपाही हैं। तो ये होती है लीडरशिप, ये होता है दूसरों के दिल में घर कर जाना। अगर आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, आज भी कुछ करोगे, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। भाई यहाँ से देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, होता है तो आप जब इंसानियत के लिए काम करते हो, खिदमत करते हो, लोगों की दिलो जान से करते हो, तो फिर लोग चाहे किसी भी मजहब से अलग रहते हो, वो दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। और ये वो कश्मीरी हैं जो कल तक पत्थर फेंकते थे, आज वो फूलों के हाथों में फूल और अपनी जान देने के लिए भी मोदी जी के लिए तैयार हैं। यही बदलाव है कश्मीर का। काश हमारे लोग भी इस चीज को समझे, और थोड़ा सा ही सही, इतना सा भी अगर मोदी जी से सीख लें तो हमारे भी खित्ते में बदलाव आ सकता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगे आपको। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।